नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बांग्लादेश के सेकंड मैच के बारे में, जो कि कानपुर में स्टार्ट हो चुका है। लंच टाइम तक इसमें 74 रन पे बांग्लादेश के 2 विकेट हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, इंडिया बांग्लादेश का जो सेकेंड मैच है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी टाइम बाद कानपुर में मैच भी हो रहा है और ब्लैक सॉइल पे मैच हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो कभी भी यूपी में मैच होता है तो प्रशंसकों का और जो प्यार है वो ज़रूर देखने को पड़ता है। जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे, जब मैच का माहौल बन रहा था, टीम इंडिया जब कानपुर पहुंची तो फैंस का कितना उन्हें प्यार मिला। फिर अगर हम मैच की बात करें तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पिच है वो काली मिट्टी से बनी हुई है, तो यहाँ पर पिच को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये शुरुआत में कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि काली मिट्टी में कभी स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है शुरुआत के सेशन में, लेकिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो ऐसे में अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कानपुर के वेदर जो है, जो मौसम है, उसने चीज़ें बहुत आसान बना दी कि इंडियन टीम जो है वो अनचेंज्ड, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि पहले टेस्ट की तुलना में अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया और सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। और आपको बता दूं मोहित कि रोहित शर्मा ने तो टॉस जीतने के बाद ही एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि 9 साल के बाद किसी भारतीय कप्तान ने घरेलू ज़मीन पर दोनों मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। जैसे आप जानते हैं कि इंडियन पिचेस जो हैं वो बल्लेबाजों के मुफीद मानी जाती है, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई भी कप्तान है तो वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी चुनना पसंद करता है, लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ उल्टा दाव खेला और दोनों मैचों में पहले फील्डिंग का फैसला किया। और पहले मैच तो आपको पता ही है चेन्नई में कि 280 रन से इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, और बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान में लगातार 2 मैच जीत कर आई, इतिहास रच कर आई, पाकिस्तान को उसके घर में धूल चटा कर आई, और वो भारत में आते ही नेस्तनाबूद हो गई और उसे पता चल गया कि आखिर वो शेर से टकराने में की दिक्कत क्या है, वो चीज़ें बिल्कुल सामने आई। तो जिस तरीके से बांग्लादेश यहाँ आई है और पहला मैच हार चुकी है, इंडिया के 3 विकेट हो गए थे पहले मैच में जी, फर्स्ट सेशन में, तो उसके बाद जिस तरीके से वापसी की और अश्विन की जिस तरीके से धमाकेदार सेंचुरी, एक के बाद एक सेंचुरी आ चुकी है अश्विन की, और 6 सेंचुरी आ चुकी है उनकी और धोनी की बराबरी कर ली है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए तो काफ़ी गहराई है, और यही चीज़ है कि हम पिछले 6 से 7 सालों में ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि जो टेलेंडर्स हैं इंडिया के वो भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और यही वजह रही है कि हम इंडिया के साथ साथ में, क्योंकि इंडिया अपने घर में तो एक बहुत ही डोमिनेंट टीम है कि सामने किसी को हावी होने नहीं देती, नहीं, नहीं, नहीं। और यही वजह है कि जो मतलब फॉरेन पिचेस है, या आप ये कहें कि विदेश में जाके भी जो झंडे गाड़े इंडिया ने, वो इसीलिए गाड़े हैं कि हर एक जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो बैटिंग का हो, चाहे बॉलिंग का हो, चाहे फील्डिंग का हो, हर तरफ उन्होंने 100% एफर्ट्स लगाए हैं, और एक टीम एफर्ट के बलबूते पे ही टीम इंडिया हमेशा जीतती आई है। और अभी भी अगर आप पिछले टेस्ट में देखें कि बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छी अपनी बॉलिंग निभाई थी, और शुरुआत में बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत जल्दी जल्दी इंडिया के विकेट झटके थे, लेकिन उसके बाद जडेजा और अश्विन ने जिस तरीके की स्थिरता दी और जिस तरीके से पिच पे दोनों जन टिके, उसके बाद एक बड़ा स्कोर भारत ने बनाया और फिर जीत दर्ज की। और आज ये चीज़ देख सकते हैं कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी में भी गहराई है। अगर आप देखें तो अभी उन्होंने लंच तक भले ही 2 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में गहराई है। नीचे लिटन दास हैं, मेहदी हसन हैं, यहाँ तक के बल्लेबाज सब शतक बनाना जानते हैं। शांतो वगैरह को आप देख लिए तो जी, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो वही चीज़ें हैं, और इसके बाद जैसे कि हम बात करें कि ये 2 मैचों की सीरीज है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मैच एक तरफा होगा या फिर बांग्लादेश बिल्कुल मुकाबले में रहेगी? देखिए, ये मौसम पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि सुबह से लुका छुपी चल रही है बारिश के साथ में, इसीलिए जो पहले सेशन का खेल था वो भी देर से शुरू हुआ, लंच के बाद भी अभी खेल में देरी हुई थी क्योंकि बारिश ने कवर ढक दिए थे, तो ये देखना होगा कि बारिश क्या इसमें भूमिका निभाती है। लेकिन जहाँ तक बात है इंडिया की, तो आप ये ज़रूर मान के चल सकते हैं कि हाँ, इंडिया इस मैच पर पकड़ ज़रूर बनाकर चल सकता है, क्योंकि पहले ही सेशन में आकाशदीप ने दिखा दिया कि उन्होंने 2 विकेट बहुत जल्दी से निकाल कर बांग्लादेश को दबाव में ला दिया है। अब इस दबाव से बांग्लादेश उभर पाती है कि नहीं, कितने सेशन टिक पाती है और कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है, क्योंकि पहली इनिंग्स का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा कि बांग्लादेश किस स्कोर तक जा सकती है। अगर इन्होंने 350 के पार भी कर दिया स्कोर या 300 के ऊपर भी चले गए,
तो आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी एक फाइट देखने को मिलेगी मैच में। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आकाशदीप ने बॉलिंग की है पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, तो एक उभरता हुआ सितारा आपको दिख रहा है? बेशक बेशक, आप तो कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी अभी ये रिटायर हुए भी नहीं है, लेकिन हाँ उनके उत्तराधिकारी मिल गए हैं, क्योंकि बिल्कुल गेंद के सीम पकड़ने का वही तरीका है, गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना जानते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि दोनों टेस्ट पे बाएं हाथ के बल्लेबाजों पे तो काल बनकर टूटे हैं बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा परेशान किया अपने स्विंग से। गति भी उनके पास बहुत अच्छी है, एक्शन बहुत सिंपल है, तो आप बिल्कुल मान सकते हैं कि जो आकाशदीप है वो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, तो ये तो थी हमारी मतलब बैटिंग और बॉलिंग की बात। अब हम अगर बात करें विराट कोहली और गौतम गंभीर की, जिस तरीके से मतलब ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड के बाहर उनकी केमिस्ट्री दिखाई दी है, काफी टाइम बाद वो एक साथ अच्छे तरीके से दिखाई दिए। तो एक टाइम पे राहुल द्रविड़ को इन सब चीजों में टेंशन होती थी जी। और अब ना, अब वो सारी चीजें तो आईपीएल का एक पार्ट था, अब जिस तरीके से वो दोनों लोग चल रहे हैं, तो आपको इसमें क्या मतलब केमिस्ट्री में क्या आगे चल के विराट कोहली कितना लंबा खेल सकते हैं और किस तरीके से चीजें हो सकती है? देखिए, विराट कोहली का तो अब ऐसा कद हो चुका है कि वो मन चाहे जब तक वो चाहे वो तब तक खेल सकते हैं, बशर्ते उनका शरीर कब तक साथ देता। और इस मामले में तो आपको विराट कोहली की भी तारीफ करनी होगी, वो बहुत ईमानदार खिलाड़ी हैं। उन्हें लगा कि वो T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता, वो उन्होंने उस प्रारूप को अलविदा कह दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि वनडे क्रिकेट भी वो खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो बॉडी क्या डिमांड करती है वो उसके अकॉर्डिंग अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। सिलेक्टिव हो सकते हैं कि मुझे ये सीरीज़ खेलनी है, ये नहीं खेलूंगा, वो चीज़ें रहेगी। और जो हेड कोच गंभीर के साथ आपने ट्यूनिंग की बात की, तो चूंकि दोनों दिल्ली बॉयज़ हैं, तो वो केमिस्ट्री तो कहीं ना कहीं सॉर्ट होनी थी। दोनों काफ़ी पेशेवर हैं, अपने अपने उसमें मतलब बोल सकते हैं कि अपने अपने फन में माहिर हैं दोनों। और आज की तारीख में ये ज़रूर बोला जा सकता है कि अब जब दोनों मिलकर हैं तो इंडियन क्रिकेट को बहुत ही अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने के दोनों प्रयासरत रहेंगे। इसके बाद जैसे बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, तो कहाँ पे इंडिया को अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? क्योंकि KL राहुल की जैसे परफॉर्मेंस हो गई, या फिर शुभमन गिल का लास्ट मैच में तो सेकेंड इनिंग में सेंचुरी आई है, मगर उससे पहले वो कुछ खास इस तरीके से कर नहीं पाए, और विराट कोहली भी टेस्ट मैचेस में अभी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो वापसी बहुत अच्छे से करती है और काफ़ी फाइटिंग स्किल्स हैं उनमें। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे न्यूजीलैंड भी अभी श्रीलंका के यहाँ तो हार चुका है पहला टेस्ट, तो कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी लो होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली कि बांग्लादेश सीरीज़ हो गई, न्यूजीलैंड सीरीज़ हो गई, इंडियन प्लेयर्स के पास में अभी अच्छा टाइम है कि वो अपनी जो लय है, जो खोई हुई लय है, वो हासिल करें, फॉर्म में लौटें, बड़े बड़े रन बनाएं। क्योंकि इसके बाद में आगे चल के ऑस्ट्रेलिया दौरा आना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सभी को पता है कि क्रिकेट फैंस तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका महत्व कितना है। और उससे पहले हर प्लेयर चाहेगा कि वो फॉर्म में हो, ताकि 15 जनों का जो स्क्वाड सिलेक्ट होना उसमें उसकी जगह पक्की बनी रहे। विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, KL राहुल हुए, इन लोगों ने बहुत अपने आप को, इनको प्रूफ करने की भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है जो इनका कद है क्रिकेट में, लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा मायने रखता है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आगामी सीरीज़ है, या इनफैक्ट जो कानपुर टेस्ट है, ये इन लोगों के लिए बल्लेबाजी के हिसाब से बहुत क्रूशियल पारियां रहने वाली हैं। अगर ये यहाँ पर खुद को परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली जो हम इंडियन टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी खुशियां हमको मिलती ही चलेंगी। नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और हम इसके साथ साथ एक बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में जी। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अपनी वापसी की है क्रिकेट में, 2 साल पहले के ऋषभ पंत जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद वापसी करके आज वो शतक वीर बन चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, एक मतलब मिसाल कायम की है। तो आप ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे? ऋषभ पंत ने तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक योद्धा है वो, कि इतनी मतलब गंभीर जो जिसको बोल सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरी जिंदगी वो जी रहे हैं अपनी, क्योंकि बिल्कुल मौत के करीब से वापस आए हैं वो। और जितना बोल सकते हैं कि भाग्यशाली भी काफ़ी रहे कि उन्हें कोई ऐसी चोट नहीं लगी कि जो उनके शरीर का कोई हिस्सा ख़राब कर सकती हो।
लेकिन एक मानसिक दबाव बहुत होता है, एक ट्रॉमा होता है कि आप जब इस तरीके का कोई गंभीर एक्सीडेंट के बाद आप वापसी करते हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में उन चीजों को दिमाग से बाहर करना, उतना ही पॉजिटिव माइंडसेट रखना, फिर क्रिकेट के प्रति उनकी जो दीवानगी है, जो जुनून है, उसे बनाए रखना, बरकरार रखना, और फिर आके आपको T20 वर्ल्ड कप जीत जाना, टेस्ट टीम में सिलेक्ट हो जाना, ये कोई बिरला ही कर सकता है। और आप कह सकते हैं कि ऋषभ पंत भारत के भविष्य हैं, कि इस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए भी मिसाल पेश कर दी है कि हिम्मत हारने की कभी कोई मतलब नहीं है, आप बस डटे रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक हमारा ऐसा प्लेयर जो बहुत उभरता हुआ था वो अब वापस आ चुका है। बिल्कुल। और इसमें BCCI का भी बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके से उन्होंने हेल्प की है, हर जगह पे वो खड़े दिखाई दिए, जो बोर्ड है हमारा, कि उनको कोई भी प्रैक्टिस हो या कोई भी मतलब सपोर्ट हो, चाहे वो प्लेयर्स की तरफ से हो चाहे किसी भी तरफ से, उनको फुल सपोर्ट मिला है, जिसके बाद वो आज वापस आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये तो आप हर खिलाड़ी के मुंह से सुनेंगे कि BCCI जो है उन्हें कभी मतलब सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, चाहे आप कहीं पर भी लेने प्रैक्टिस करनी हो, वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी जाके अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात अगर हम इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट में ले आएँ, तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि स्टंप माइक पे उनकी बातों का इंतज़ार रहेगा। जैसे कि आपने पहले टेस्ट में देखा ही कि उन्होंने लिटन दास के साथ क्या नोकझोंक की थी, मतलब उसके बाद वो प्लेयर्स को खुद बता रहे थे फील्डिंग सेट कर रहे थे वो। तो ये जो सेकंड टेस्ट में उनका जो ये मज़ा है, जो एक फन साइड है उनका एज अ प्लेयर, वो भी हम देखने को बेकरार होंगे। और मेरे ख्याल में सारे फैंस उनकी इस मस्तीखोरी को और जो ये उनका मस्त मौला अंदाज है, ये ज़रूर देखना चाहेंगे, बिल्कुल इसका आनंद उठाना चाहेंगे। और दूसरे टेस्ट में यही उम्मीद हम कर सकते हैं इंडिया से, कि बांग्लादेश को अगर 300 के पहले ये रोक देते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रिकी मैच बन जाएगा, और भारत जो है वो सीरीज़ में क्लीन स्वीप जरूर कर पाएगा बांग्लादेश का। तो आपको लगता है कि ये मैच जो है वो पाँचवें दिन तक जाएगा कि ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा? देखिए, इंडिया में पाँचवें दिन तक टेस्ट का जाना तो बड़ा मुश्किल रहा है, हार्ड अगर मौसम साथ देता है, अगर मौसम साफ रहा तो आप मान के चलिए कि चौथे दिन आपको नतीजा देखने को मिल सकता है। मतलब 3 दिन और 4 दिन के बीच में मुझे लग रहा है कि ये मैच खत्म हो जाना चाहिए। देख, काली मिट्टी पर है और आप जानते हैं कि भारतीय स्पिनर्स कितने खतरनाक हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तो चूंकि पिच में नमी बनी हुई है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, लेकिन जैसी पिच सूखी उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी आपको सारे बांग्लादेशी बल्लेबाजों को कहर बन के टूटेंगे। बिल्कुल, तो आपने पिछले बहुत सारे मैचेस में देखा ही है। जी जी, कि उनकी जो जोड़ी है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी हिट है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक तरफ से दोनों एंड से जब लग जाते हैं तो फिर बल्लेबाजों की खैर नहीं बचती है, पिच पे उनको डांस करते हुए आप जरूर देख पाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो कानपुर की पिच है, अगर मौसम साफ रहता है, चूंकि हालांकि अगर वेदर प्रेडिक्शन देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि बारिश की मार जरूर मैच पे पड़ेगी बार बार, लेकिन हम इंडियन फैंस हैं तो इंडियन फैंस के तौर पे हम एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि मैच का पूरा एक्शन देखने को मिले। जी बिल्कुल। और नतीजे, जैसे कि मोहित बोल रहे हैं कि नतीजा अगर आएगा तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि घर में लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीतेंगे। ये कोई आम बात नहीं है कि आप अनबीटन रिकॉर्ड ऐसे कायम रख सके। तो ये रोहित शर्मा की कप्तानी में जिस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है, हम बिल्कुल मान सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक हम लोग WTC फाइनल में जाने से पहले ही ऐसा दावा करके जाएंगे, इतना मजबूत स्क्वाड बना कर जाएंगे कि दूसरी टीमें हमसे थोड़ा डर के रहेंगे। बिल्कुल, काफेंगे और ट्रॉफी इस बार हमारे हाथ में होगी।